नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजाने विशेष। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। जैसे ही ठंड आती है, सर्दीली हवाएं चलने लगती हैं, दांत किटकिटाने लगते हैं और शरीर कांपने लगता है, तो हमें जो पहली याद आती है वो आती है तिब्बती बुलन मार्केट की। इंदौर में ही नहीं बल्कि देश के हर हिस्से में तिब्बती बुलन मार्केट बहुत लोकप्रिय है और तिब्बत से आए हुए लोग यहाँ पर गर्म कपड़े बेचते हैं बहुत ही किफ़ायती दरों पर, जो खासा लोकप्रिय होता है। और सारे लोग ठंड आते ही जो इंतज़ार करते हैं कि तिब्बती बुलन मार्केट लगेगा और वहाँ जाकर गर्म कपड़े खरीदेंगे। जब बात आती है तिब्बत की तो हमें याद आते हैं परम पूजनीय परमादरणीय दलाई लामा साहब, जिन्हें नोबल शांति पुरस्कार मिला है। हमें याद आता है बुद्ध धर्म, हमें याद आती है बर्फीली पहाड़ियाँ, हमें याद आता है शांति का वो पाठ, वो श्वेत कपोत, और हमें याद आता है कि तिब्बत ने हमारे लिए किस तरह से, चीन ने तिब्बत को अपने कब्ज़े में कर रखा है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बती लोग, वो भले ही ल्हासा में रहें, धर्मशाला में रहें, हुबली में रहें, कर्नाटक में रहें या कहीं देश के विश्व के किसी भी कोने में रहें, वो अपने वतन की, अपने देश की आज़ादी के लिए लगातार शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। मेरे साथ आज दो तिब्बती खास मेहमान मौजूद हैं जो वुलन मार्केट लेकर इंदौर आए हैं। श्री कुंडोल फुनसोक, आप अध्यक्ष हैं तिब्बती शरणार्थी वुलन मार्केट का, ल्हासा तिब्बती शरणार्थी वुलन मार्केट। और मेरे साथ मौजूद हैं सोनम सेरिंग, जो उपाध्यक्ष हैं ल्हासा तिब्बती शरणार्थी वुलन मार्केट का। शेरिंग सोनम जो हैं वो देहरादून से हैं और कुंडोल जो हैं वो हुबली से हैं। मूलतः तिब्बत के मूल निवासी हैं। 1959 में इन दोनों के माता पिता दलाई लामा के साथ भारत आए और भारत के होकर ही रह गए। आपका बहुत स्वागत है दोनों का। नमस्कार। और सबसे पहले मैं सोनम सेरिंग साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ये तिब्बती जो मार्केट आप लेके आते हैं वुलन मार्केट, जिसके हम सब इंदौर वालों को, मध्य प्रदेश वालों का इंतजार रहता, ये पूरे देश में से कितनी जगह पर ये लगता है? लगा लीजिए, सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से इंदौर वासियों को हमारा ल्हासा टिबेटन एसोसिएशन की ओर से नमस्कार। टच द लेक सर, ये जो हमारा मतलब लगा लो कि इस भारत का सभी क्षेत्र मतलब स्टेट में लगा हुआ है इस। ये आपने भी एक शब्द बोला, तस्था दिलेक। तसी दिलेक मतलब नमस्कार, तसी दिलेक। हमारा तसी दिलेक, तसी दिलेक। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इंदौर में कब से आप आ रहे हैं? इंदौर में तो लगा लीजिए कि हमारे 45 सालों से आ रहे हैं सर, पिछले 45 सालों से आ रहा है। आपको यहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो इंदौर का वासी हमारा, लगा लो कि अभी दूसरा पीढ़ी चल रहा है यहाँ पे, तो दूसरा पीढ़ी तक, पहले आपके मदर फादर आते रहे। हाँ जी बिल्कुल, तो दूसरा पीढ़ी तक अभी तक तो बिल्कुल इंदौर के जितना भी हमारा ग्राहक समझो, अब हमारा इंदौर वासी सब ने अभी तक हमको मतलब प्यार किया है और चाहा है। और हमारा जितना भी स्वेटर हो, जर्किन हो, जो भी लाता है, तो हर एक साल बहुत अच्छी तरीके से उनको पसंद आता है सर। कुंडोल साहब, इंदौर में कहाँ आप ये मार्केट लगाते हैं? इस बार तो आपने दशहरा मैदान में लगाया है, सुगनी देवी कन्या विद्यालय परदेसीपुरा में लगाया है, बहुत पहले आप कलेक्ट्रेट के वहाँ भी लगाते थे, अभी और कहाँ कहाँ लगा रखा है आपने मार्केट अपना? जी सर, नमस्ते सर, सभी इंदौर वासियों को ल्हासा तिब्बत वुलन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस साल हमारे मार्केट जो है दशहरा मैदान अन्नपूर्णा रोड के सामने दशहरा मैदान में लगा हुआ है, उसमें लगभग 111 दुकान लगा है। और दूसरा दुकान जो है, दूसरा मार्केट जो है परदेसीपुरा चौराहे सुगनी देवी कॉलेज के सामने, वहाँ पे 55 दुकान लगा है। तो 111 और 55, लगभग 165 दुकानें आपने लगा रखी हैं। तो दोनों जगह में से कहाँ का रिस्पांस अच्छा आ रहा है? दोनों जगह में से अभी जो दशहरा मैदान जो है पिछला लॉकडाउन के बाद 2021 से लगा हुआ है, लगे आते रहा हूँ। इस साल तीसरा साल चल रहा है, तो दशहरा मैदान में थोड़ा कस्टमर आने ज़्यादा लग गया है, क्योंकि बोलने से दो साल से दशहरा मैदान थोड़ा सा एडवर्टाइज हो गया है। और जो परदेसीपुरा जो है इस साल नया लगा रहे हैं हम लोग, इससे पहले हम लोग वहाँ विजयनगर साइड, विजयनगर में लगता है, वहाँ पे बिजनेस पार्क के सामने
पिछला 2018 से लगा है वहाँ पे। फिर अभी लगा है विजय पार्क में, आप इस बार लगा रखा है बिजनेस पार्क के सामने? इस बार नहीं लगाया विजय नगर, इस बार आपने सुगनी देवी। इस बार हमने परदेशीपुरा सुगनी देवी कॉलेज के सामने लगाया हुआ है। सोनम सर, ये कितने आपने दुकानों का तो मुझे बताया कि लगभग 165 दुकानें हैं, लेकिन इन 165 दुकानों में कितने परिवार के लोग, कितने तिब्बती इस समय इंदौर में आए, क्योंकि पूरी फैमिली आपकी चलती है आप लोगों के यहाँ? मैंने देखा महिलाएं भी बैठती हैं, बच्चे भी बैठते हैं, बुजुर्ग भी बैठते हैं, तो एक पूरा परिवार ही आपका यहाँ आता है। तो 165 दुकानों, ये कितने परिवारों की दुकान है, कितनी परिवार इस समय यहाँ इंदौर में है? जी, तो हमारा तो 54 परिवार आ रहा है। 54 हाँ, 54 परिवार आ रहा है हर एक साल, मतलब 54 ही परिवार आता है। तो उसमें से लगा लो दुकान, तो आपने बोला 165 दुकान है, तो 165 दुकान में दो दो आदमी लगा लीजिए अपने परिवार का, चाहे उसमें सेल्स जैसे सेल्स 54 लोग आए, इसका मतलब देखे जाए तो तीन या एक एक परिवार की तीन दुकानें। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा मान लीजिए एक परिवार की तीन या चार दुकान। हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें से फिर सेल्समैन जैसे हमारा काम करने वाला वर्क, मतलब सेल्स गर्ल हो गया, सेल्स बॉय हो गया, इनको सब मिला के करीबन आप लगा। ये भी तिब्बती रहते हैं? नहीं नहीं, हमारा वहाँ से लोकल, मतलब जैसे अध्यक्ष जी है वहाँ उपली का, जैसे उपली का अपना लोकल, जैसे लोकल जो है जितना भी काम करने वाला जो अपना सेल्स बॉय सेल्स गर्ल है वहीं से लेके आते हैं। मतलब इंदौर का नहीं, इंदौर को बिल्कुल नहीं जी। जो बंदा आएगा वो तिब्बती होगा? हाँ जी, तिब्बती नहीं, तिब्बती नहीं, जैसे ये उबली में। अच्छा, मतलब कर्नाटक का भी? कर्नाटक का है, जैसे मालिक तिब्बती है। हाँ जी, हाँ जी, वर्कर नॉन तिब्बती होता है। हाँ जी, हाँ जी, वर्कर ज्यादातर नॉन तिब्बती, नॉन तिब्बती, जैसे बिहार से है ज्यादातर, बिहार से और सिक्किम दार्जिलिंग वहाँ से मतलब बुलाते हैं हम लोग। तो ये उनके रहने वगैरह की व्यवस्था क्या रहती है? तो सभी यहाँ पे अपना अपना रूम वगैरह, जैसे मकान ले रखा है, कोई फ्लैट ले रखा है तो उसमें लेके उसी में बैठता है। जैसे हम लोग पहले जब गंजी कंपाउंड कलेक्टर के पास लगाता था, तो उस टाइम जो है उसी का आसपास का, जैसे कि वासुदेव नगर हो गया, जयरामपुर कॉलोनी हो गया, वही कॉलोनी में जैसे रूम वगैरह लेके उसमें मकान ले लेते। हाँ जी, हाँ जी, किराए पे। अब आप गंजी कंपाउंड में नहीं लगाते, क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ फुनसोक साहब। हाँ जी, और गंजी कंपाउंड में पिछला अभी 3-4 साल से वहाँ पे निर्वाचन बना गया सरकार का, वहाँ पे मशीन वगैरह लगा, मशीन वगैरह इलेक्शन का मशीन वगैरह वहाँ पे लगा हुआ है। तब से हम लोग 2021 से हमको अनुमति नहीं दे रहा है, तब से हम लोग प्रदेश दशहरा मैदान में आवेदन करके हर साल कलेक्टर ऑफिस जाके हम लोग परमिशन ले के फिर दशहरा मैदान में दुकान लगता है 3 महीना के लिए। अच्छा सोलन सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तिब्बती वूलन मार्केट की विशेषता क्या है, खासियत क्या है भाई? अब आजकल तो बड़े बड़े शोरूम्स आ गए हैं और बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, मैं उन ब्रांड्स के नाम लेके यहाँ उनकी मार्केटिंग नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत नामी ब्रांड हैं जो अरबों रुपये की, करोड़ों की नहीं, अरबों रुपये की मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसके बावजूद भी तिब्बती वूलन मार्केट की अपनी एक पहचान है, अपनी एक साख है, लोगों को क्रेज है, तो क्या खासियत है तिब्बती वूलन मार्केट की? तो लगा लीजिए, अभी हमारा तिब्बती मार्केट तो आपने इससे पहले भी आपने खुद बताई है कि तिब्बती में जो है तिब्बती मार्केट बहुत काफ़ी सालों से लगा लो हम लोग यहाँ पे 45 सालों से लगा रहा है, एक खासियत वो भी है। और उसके ऊपर हमारा एक जगह में इकट्ठे मार्केट भी, मतलब दुकानें भी ज़्यादा है, और उसके ऊपर हमारा जो वेराइटी जो है आप लगा लो, हम सर्दी में 3 महीना सिर्फ इसका मतलब हम से बेचते दिसंबर जनवरी फरवरी। हाँ जी, उसका 9 महीना तक हम लोग इसका डिजाइन हो गया, इसका तो सिलेक्टिंग वगैरह बहुत अच्छा सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे लेडीज हो गया, बच्चे को हो गया, जेंट्स हो गया, इसमें वैरायटी भी काफ़ी सारे इकट्ठे मिल जाता है और इसमें क्वालिटी भी बहुत होता है, तो उसका कारण भी होगा शायद, तो लोग मतलब यहाँ का लोग। क्या आपका जो ब्रांड है जो आप माल लेके आते हो वो सस्ता पड़ता है, चीप पड़ता है? नहीं, सस्ता तो नहीं, वो तो क्वालिटी के हिसाब से होता है सर, क्वालिटी जैसे। लेकिन जो शोरूम में जो ब्रांडेड माल मिलता है उससे तो काफ़ी सस्ता ही होगा, क्योंकि इतना। अब अगर मैं कोई बहुत नामी ब्रांड का नाम लूँ और उस नामी ब्रांड का मैं एक वुलन आइटम खरीदना चाहूँ, स्वेटर खरीदना चाहूँ, हाँ जी, हाँ जी, और एक मैं तिब्बती मार्केट में चीज़ खरीदूँ, उस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि रेट का भी काफ़ी फर्क है, अब जैसे उसकी वूलन की क्वालिटी और गर्मी में कोई फर्क नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि हमारा वहाँ पे कैश वूलन बोलते हैं, जो कैश वूलन किसी को बुलबुल भी कहा जाता है, कैश वूलन ज्यादातर कोरिया से आता है, तो मैन्युफैक्चर जो है हमारा इंडिया में होता है, तो कैश वूलन भी अच्छा है। और जैसे शॉल वगैरह है, शॉल में वैरायटी काफ़ी है, जैसे शोरूम वगैरह मिलेगा तो आपको एक ही वैरायटी मिलेगा, तो हमारे में तो वैरायटी काफ़ी है ना, क्योंकि अभी हमारा आपने बताया परिवार भी इतना ज़्यादा है, तो हर किसी का अलग अलग चॉइस के हिसाब से लेके आते हैं। अच्छा, ये 10 दिसंबर का, मैं फुनसोक साहब आप अध्यक्ष हैं, 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे है, और तिब्बतियों के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 दिसंबर को तिब्बतियों के जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा साहब, उनको
मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार समिति की तौर से नोबल पीस प्राइज, नोबल शांति पुरस्कार मिला था। तो 10 दिसंबर को तिब्बत के मार्केट ये बंद रहेंगे दोनों मार्केट, और वहाँ उस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। क्या कार्यक्रम होगा 10 दिसंबर को आपका? क्यों आप 10 दिसंबर को अपना मार्केट बंद रखना चाहते हैं? सबसे पहले जो 10 दिसंबर जो है सन 1989 में परम पूज्य दलाई लामा जी को विश्व का शांति पुरस्कार के सम्मानित किया गया। जब से लेके जहाँ भी हर जगह हिंदुस्तान और विदेश सब जगह में तिब्बती जो रहता है 10 दिसंबर को एक दिन के लिए हर जगह में छुट्टी रहता है, क्योंकि दलाई लामा जी को विश्व का शांति पुरस्कार का सम्मानित किया गया था। और एक ये है उस दिन 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे भी है, मानव अधिकार का दिन भी है। हमारा तिब्बत जो है अभी चाइना के कब्ज़े में है, अभी तिब्बतियंस जो ज़्यादातर तिब्बत में है, हमारा तिब्बत का आबादी जो है 60 लाख, उसमें से 58 लाख जो है तिब्बत में है। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है बिल्कुल, वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, चाइना ने डोमिनेट करके रखा है। लगभग अभी तक 165 लोग आत्महत्या किया है, ह्यूमन ह्यूमिलेशन किया है। हम लोग जो 10 दिसंबर जो है एक दिन के लिए हर जगह में जहाँ हिंदुस्तान में जो कोने कोने में हम लोग वेबर के लिए जाता है तो एक दिन के लिए छुट्टी रखा है 10 दिन के लिए। अब आप यहाँ पर भी कुछ इस तरह का सोलम सर कुछ 10 तारीख को कोई हेजिटेशन, कोई मांग, कोई प्रदर्शन करेंगे कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कि तिब्बत को मुक्त किया जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय मांग है आप लोगों को, और आप ये मांग पिछले 50 साल से कर रहे हैं कि तिब्बत को जो है चीन से मुक्त कराया जाए उसके कब्जे से। चीन वहाँ पर जैसा कि फुनसुक साहब बता रहे थे कि बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं वहाँ, एक दमन चल रहा है, एक अत्याचार चल रहा है, तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? नहीं नहीं, अभी तक जैसे 10 दिसंबर को हमारा जहाँ पे अपना जहाँ रेजिडेंट हम लोग जहाँ रहता है जैसे हमारा कॉलोनी है वहाँ तो होते रहता है, क्योंकि 10 दिसंबर को भी हो कभी तो हमारा यहाँ इंदौर में जो है 10 दिसंबर को अभी हमारा अध्यक्ष जी ने बताया 10 दिसंबर को जो स्पेशल डे जो है हमारा परम पूज्य श्री दलाई लामा जी को विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तब से उस दिन को हम एक त्यौहार के रूप में मानते हैं सारे तिब्बती जहाँ भी जिस क्षेत्र और उस दिन आप उत्सव एक दिवाली की तरह है, ये तिब्बती दिवाली आप मैं कह सकता हूँ, आई कॉल दिस इज तिब्बती दिवाली, जी जी दिवाली मतलब एक त्यौहार के रूप में मानते हैं। और उनके उस दिन जो है हम एक सुबह पूजा पाठ करके पूजा हवन करके उन मतलब विश्व शांति। अच्छा, आपके उसमें भी हवन होता है? हाँ, हवन मतलब जैसे पूजा पाठ हम लोग उसको कहते हैं संघ, संघ का मतलब उसका हवन ही नाम बदल सकते हैं। उसमें हमारे जैसे एक अग्निकुंड बनता है, फिर हम उसमें कुछ आहुतियां डालते हैं। बिल्कुल आपके यहाँ भी होता है? हाँ, हम लोग भी ऐसे मतलब हवन वगैरह करते हैं और सुबह पूजा और थोड़ा सा कार्यक्रम जैसे नाचना वाचना अपना नृत्य वगैरह उत्सव मनाते हैं। तो तिब्बती डांस अलग होगा? हाँ जी हाँ जी, वो वगैरह डांस वगैरह करके अपना एक त्यौहार के रूप में तिब्बती म्यूजिक तिब्बती डांस वो डिफरेंट है। हाँ जी जी सर, वो भी आप सब मनाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा बिजनेस आप सवाल करना चाहता हूँ कि इंदौर से आप 3 महीने के लिए दुकान लगाते हैं, नवंबर एंड में आप आ जाते हैं और फरवरी की शुरुआत 15 फरवरी तक रहते हैं। हाँ जी, तो इसमें मोटे मोटे तौर पर, मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर नहीं हूँ, मैं मोटे मोटे तौर पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने लाख रुपए का टर्नओवर आपका होता है, कितना बड़ा बिजनेस आपको इंदौर से मिलता है? इतना तो अभी ज़्यादा नहीं, तीन चार लाख रुपए, जैसे अभी 3 महीने में जैसे अपना अब क्या करें, पहले सारा खर्चा निकाल, हाँ जी सारा खर्चा वर्चा निकल के बस रोटी पानी निकलता है सर। अभी पहले पहले जैसे सर, तो रोटी पानी के लिए इतनी दूर क्यों आना? अभी अब वो तो आना पड़ेगा सर, जहाँ भी मुझे हो तो लगता है कि सिर्फ रोटी पानी निकलती, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा कमा के जाते हो। इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन पहले पहले टाइम में तो था, अभी तो इतना सारे मार्केट बन गया, सब कुछ बन गया, आपको पता है ना, तो ऑनलाइन हो गया सामान वामान ऑनलाइन, इसका कारण थोड़ा बहुत तो मतलब हमको इतना ज़्यादा तो नहीं, प्रॉफिट ठीक ठाक। लोग ये सोचते हैं तिब्बतियों के बारे में, आपके वुलन मार्केट के बारे में, कि आप लोग जो प्राइस बताएंगे, जैसे आपने कहा कि सपोज ये स्वेटर जो है 500 रुपीज़ का, तो लोग कहते हैं 300 में दे दो, 250 में दे दो, लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सस्ता लाते हो, थोड़ा बहुत महंगा लो, तो इस तरह के लोग आके करते हैं वो तो। अब हमारा 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 हिंदुस्तान में तो अभी वो तो मार्केटिंग तो थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन हमारा फिक्स रेट है, अब जो जितना भी ऑल ऑफ इंडिया में तिब्बतन मार्केट है सारे में फिक्स रेट है। कितना परसेंट का डिस्काउंट देते हैं आप? डिस्काउंट तो नहीं है जी, हमारा
मतलब तीसरा साल में एक बार सेल होता है, जैसे अपना बच्चा पुराना कपड़ा मतलब उस टाइम हम लोग 20% 15% वो देख के उस टाइम परसेंट देके हम सेल में मतलब सेल करते हैं तीन साल में। अभी कल की तारीख में, आज की तारीख में अगर कोई तिब्बत मार्केट में आए तो उसको डिस्काउंट कुछ नहीं मिलेगा? नहीं जी, जो फिक्स रेट है, फिक्स रेट है। आपने बोल दिया वो बोल दिया? नहीं बोल दिया नहीं, वहाँ टैग में लगा होगा, उसमें पहले से ही सब कुछ लगा हुआ, उसी रेट में ही दिया जाता है। अच्छा अध्यक्ष महोदय, यहाँ के प्रशासन का आपको कितना सहयोग मिलता है मार्केट लगाने के लिए? आपको अनुमति भी चाहिए रहती है, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, तो कितनी आपको सुविधाएं मिलती हैं यहाँ के लिए? अभी जो नगर निगम से ले गए हमारे मार्केट में बहुत सा सुविधा मिलता है, जैसे कि इंदौर शहर जो है साफ सुथरे में नंबर वन, पिछला 6 साल से नंबर वन आते रहते हैं हमारे मार्केट। दोनों तरफ नगर निगम की तरफ से बहुत सहयोग मिलता है, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग भी वहाँ पे तीन तीन चार चार जो सफाई करने वाला भी रखा हुआ है हमारे तरफ से भी, और गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है सहयोग, और कलेक्टर ऑफिस से भी हम लोग को हर साल जो परमिशन मिलता है और जो भी कठिन आता है हम लोग उनको सर। अच्छा इंदौर के लोग कैसे लगते हैं सोनम सर आपको, इंदौर के लोगों के बारे में? बिल्कुल, मैंने इससे पहले ही बता चुका हूँ है ना, इंदौर के लोग तो सबसे बढ़िया हमारे लिए, तो अभी क्या सोचे, अभी हम जब भी आते हैं तो बहुत ही मतलब इंदौर के लोग ही, शायद मैं तो ऐसे लग रहा है कि कहीं शहर में से सबसे बढ़िया तो हमारे इंदौर के लोग ही मेरे को लगता है। अच्छा ऐसा कोई दादागिरी गुंडागिरी टाइप की तो नहीं होती कि आपकी, जैसे बहुत सारे शहरों में हफ्ता वसूली होती है, गुंडे आ जाते हैं कि नहीं ये दुकान लगा रहा है कि तो 50 रुपये रोज देना पड़ेगा, 100 रुपये रोज देना पड़ेगा, ऐसा इंदौर में? बिल्कुल 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 नहीं सर, यहाँ तो अभी इंदौर तो आपको पता है, अभी हमारा अध्यक्ष जी ने बताया नंबर वन साफ सफाई में हो गया, और कहीं भी हो अभी जैसे पुलिस प्रशासन वगैरह ये सब हमको सहयोग करता है। कोई नेता वेता क्या कुछ डराता धमकाता नहीं है कि हमको तुमको हर महीने का ये देना पड़ेगा या 2 स्वेटर ले गए पैसे नहीं दिए, ऐसा तो नहीं चलता? ऐसे नहीं, यहाँ तो नेता लोग बहुत अच्छा है, जैसे हमारा सुखमी देवी वहाँ कॉलेज के सामने लगाए तो हमारा रमेश मंतोला जी हमारा दादा उनसे भी मुलाकात होते रहते हैं, उनको भी मिलने जाते हैं हम परिवार, तो उनका तरफ से भी अच्छे ही है मतलब सब लोग बोलते हैं। रमेश मंतोला जिनको दादा दयालु के, तो आपको सपोर्ट करते हैं? बोलते हैं कोई प्रॉब्लम हो गया तो आ जाना, बस ये बोल देते हैं। और उधर दशहरा मैदान में आपको जो वहाँ की विधायक है मालिनी गौड़ जो इस बार 70,000 वोट से जीती है, उनका सपोर्ट मिलता है? मालिनी गौड़ सपोर्ट तो अभी इतना सपोर्ट करने का तो अभी तक इतना नौबत तो आया नहीं कुछ, हमको अभी कुछ हुआ नहीं, जैसे हम मार्केट लगाते अपना मार्केट लगा 3 महीना आपको कोई परेशानी नहीं, गुंडागर्दी नहीं, हाँ जी हाँ जी, इसका कारण ही तो अभी उनको उनका पास जाना, उनको हमको क्या बोलते हैं मदद कर दो बोल के ये नौबत नहीं आया, क्योंकि अभी तक बिल्कुल इंदौर लोग, इंदौर के लोग जो आप जिनके मकानों में किराए से रहते हैं, हाँ जी तो वहाँ खाने पीने की और दूसरे किसी किस्म की वो आपत्तियाँ तो नहीं करते? नहीं नहीं बिल्कुल, अब इतना सालों हो गया। अच्छा आप लोग पहचान भी हो गई? हाँ जी पहचान हो गया, उनको सब पता है क्या खाता है क्या पीता है, बस सर हम तो खाना वही दाल चावल रोटी सब्जी यही तो है खाते हैं। नॉनवेज भी तो खाते होंगे? नहीं कभी कभी कोई चिकन उकन खा लिया तो खा लिया, नहीं खाने वाला बहुत है, हम लोग बुद्धिस्ट लोग हैं। अच्छा हाँ जी, तो बुद्धिस्ट लोग नॉनवेज कम खाते? कम खाता है। ड्रिंक वगैरह? ड्रिंक वगैरह तो पीने वाला थोड़ा, अब शाम को रात का टाइम में कोई पीता होगा, अभी ऐसे तो घर घर में जाके तो हमने देखा नहीं। अच्छा मतलब ज़्यादा कल्चर नहीं है? हाँ जी जी, आप लोगों का कल्चर जो है वो हिंदू कल्चर के नज़दीक वाला कल्चर है, जिसमें तो साधारण खाना नॉर्मल खाना खाते हैं, वेज खाना? हाँ जी हमारा तो बिल्कुल शांति, अब वेज भी हो, अभी कोई नॉन वेज खाने वाला खाते हैं कोई, अभी तो थोड़ा कम ऐसा खाते हैं, लेकिन हमारा तो परम पूज्य श्री दलाई लामा जी का मार्ग में चलने वाला है, बिल्कुल शांति, किसी के साथ झगड़ा नहीं कुछ नहीं अभी तक तो जी। तो ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है दलाई लामा चीन को लेकर तिब्बत को लेकर, तो कभी आप लोगों के बीच में इस तरह का नौजवान, आप बहुत यंग हैं तो यंग सर में ये बात होती है कि हमारा जो देश है सबको, आप लोगों को आपने अपना देश नहीं देखा होगा लेकिन वहाँ आप जाना चाहते होंगे, तो कभी आप तिब्बत गए हैं आप लोग? हम तो गया नहीं अभी तक, देखा वहाँ जाने की इच्छा तो होगी? बिल्कुल जी, अपना देश है जाने का क्यों नहीं इच्छा, जिस दिन देश आज़ाद होगा उस दिन तो उसके लिए तो इंतजार ही है। भारत की सरकार जो है वो तिब्बतियों को कितनी मदद करती है, कितना सपोर्ट है इंडियन गवर्नमेंट का तिब्बतियों को? फुलजोक साहब आपसे जान। भारत सरकार ने अभी तक बहुत सहयोग किया है, शुरुआत जवाहरलाल नेहरू से ले गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी तक जो बीजेपी सरकार जो मोदी जी आया है, तो हमारा टिबेटेंस के लिए अलग से स्कूल है, अलग से मोनेस्ट्री है, अलग से रहने के लिए जगह दिया है, कॉलोनी तिब्बत अलग से, टिबेटेंस जो रिफ्यूजी इंडिया में है अलग अलग मतलब कॉलोनी दिया हुआ है हिंदुस्तान को, इंडियन गवर्नमेंट ने, अभी तक इतना कठिन नहीं आया है। और जो अभी हमारे पास चाइना जो है कि
चाइना ने अभी तिब्बत को खाया है तो अभी हजम नहीं हुआ है। अभी परम पूज्य दलाई लामा जी है दुनिया में, सब दुनिया मानता है एक्सेप्ट चाइना को छोड़ के। चाइना दलाई लामा जी से मिलने में और बातें करने में डर रहा है क्योंकि उसके पास अभी तक सच्चाई नहीं है। हमारा देश जो है सन 1959 से पहले एक आज़ाद देश है, सब लोग जानता है, फिर भी सपोर्ट करने वाला चाइना के सामने बहुत कम लोग ऐसा आता है। फिर भी जो हमारे पास है सच्चाई है। गुरु जी को, दलाई लामा जी को मिलने से, बात करने से चाइना हमेशा डरता है, जैसे कि संवाद नहीं करता, डायलॉग्स नहीं करता, डायलॉग्स नहीं करता ताकि सामना करना नहीं। वो संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी है कि वो चीन के साथ दबाव बना के और एक डायलॉग स्थापित करवाए। संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, जो बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश, उनको चाहिए। सोरम सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो 3-4 महीने का बिजनेस है स्वेटर्स का, कोट का, और भारत में तो अब जो ग्लोबल वार्मिंग आई है इसमें ठंड बहुत देर से शुरू होती है, पूरे नवंबर निकल गया ठंडी नहीं पड़ी। पहले तो दशहरे के बाद से ही ठंड पड़ने लगती थी। हम, मुझे याद है कि मेरे बचपन में जब मैं रावण को जलाने जाया करता था तो जब हम लौट के आते थे रावण को जला के तो हमको हाफ स्वेटर पहनना पड़ता था, ठंड लगती थी। लेकिन अब ठंड आते हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में ठंड आ पाती है, कई बार तो और लेट आती है। नवंबर में तो ठंड है ही नहीं, इस बार का तो नवंबर बहुत गर्म था। तो लगभग ये आप मान लीजिए कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने का ये बिजनेस है, बाकी 9 महीने तिब्बती क्या करते हैं? अब ज़्यादातर तो मैंने इससे पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि अब इसमें अभी जो हमारा वैरायटी इतना ज़्यादा होता है उसको थोड़ा डिजाइन करना, उनको चुनना, मतलब कैसे इतना किस तरीके से, मतलब सर्दी आते ही जैसे इंदौर में लेके आना तो किस तरीके का, किस कैसे डिजाइन लाना, कैसे वैरायटी लाना लेडीज़ का, इसमें काफ़ी निकल जाता है। और किसी का अब ज़्यादातर हमारा कर्नाटक का वो हुबली साइड में इनका ज़्यादातर खेती बाड़ी भी करता है। जैसे हम उत्तराखंड वाला है, उत्तराखंड में हमारा, जैसे मेरा अपना पर्सनल माने तो एक रेस्टोरेंट है, जैसे रेस्टोरेंट जैसे अपना मोमो देहरादून, हाँ जी देहरादून, तो ये ऐसे कार फिर वो 2 महीने में आप, अभी वो, अभी वो आपका रेस्टोरेंट कौन संभाल रहा होगा? अभी तो ऐसे क्लोज कर रखा है, बंद कर रखा है। तो ये आप लोग ये जो थोक माल लाते हैं, हाँ जी, ये क्या लुधियाना से लाते हैं, पंजाब से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? सब जगह से है, कोई दिल्ली से है, लुधियाना से, कोई अब स्लैक बहुत है, कोई नेपाल का भी है, कोई कोरिया का भी है, सब कलेक्ट करके लेके आते हैं, मिक्स माल। तो ज़्यादा अच्छा माल कहाँ का होता है फुनसुख साहब, कहाँ का? लुधियाना होजारी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, ज़्यादातर हमारा रॉ मटेरियल जो है हम लोग बाहर से मंगवाता है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है ना होजरी का आइटम ज़्यादातर पंजाब लुधियाना से बनता है, बाकी जो रेडीमेड वगैरह कई कुछ लोग कुछ सामान दिल्ली से भी बनता है मैन्युफैक्चर। नहीं, मैन्युफैक्चर आप खुद हैं या दूसरे लोग? दूसरे भी हैं, तिब्बती मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते? नहीं है, तो है, दो चार है दिल्ली में, है जैसे लुधियाना में है, तो सब जगह वो तिब्बती है। हाँ जी, हाँ जी, मूल तिब्बती शरणार्थी मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करते हैं, उनकी फैक्ट्रीज है। अच्छा, तो आप उनसे भी माल खरीदते हैं और दूसरों से खरीदते हैं? ज्यादातर उनसे ही है। एक मोटा मोटा अंदाज बताइए कि पूरे भारत में, हाँ जी, जैसे आपने इंदौर में मार्केट लगाया, जैसे पूरे भारत में कितनी जगह आपका मार्केट लगता होगा? अभी जैसे हमारा टीआरटी, जैसे ऑल ऑफ इंडिया का हमारा जो तिब्बती एसोसिएशन में जो गिनती में जो रजिस्ट्रेशन है वो है 235-230 करीब है स्टेशन, जहाँ पर आपकी तिब्बती, हाँ जी, हाँ जी, दुकानें लगती हैं। हाँ जी, 230 करीब है स्टेशन। तो अभी कुछ खास वैरायटी आप बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए लाए हों उसके बारे में कुछ आप बताना चाहते हो? अब तो वैरायटी तो आपको पता है, तो कहा जाए तो उम्र बचपन से लेकर उम्र 55 तक सारे वैरायटी, बचपन से लेकर 55 तक वैरायटी, सारे वैरायटी हमारे पास। मफलर है? बिल्कुल बिल्कुल सर, पर मैंने देखा आप लोग कोट नहीं रखते हैं, ब्लेजर्स नहीं रखते। पहले लगता था सर, अभी उसका डिमांड थोड़ा कम हो गया ना, ब्लेजर कोट लोग कोट पहनना पसंद नहीं करता होगा शायद, ऐसे पहले बहुत सारे, मैं कोट पहनना ही पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अगली बार मेरे लिए कोट लेकर आए, मैं आपके कोट खरीदूंगा। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बातें आपने की। मैं अपील करना चाहता हूं कि तिब्बत हमारा सौहार्दिक मित्र है, दलाई लामा हम सबके आदरणीय हैं, और तिब्बत के लिए भारत ने बहुत संघर्ष किया है आज़ादी के बाद से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक की जितनी भी सरकार रही है वो सब तिब्बत की लड़ाई लड़ती रही है, तिब्बत का संघर्ष करती रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम तिब्बत का मुद्दा उठाते रहे हैं और हम तिब्बत को चीन से मुक्त देखना चाहते हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि एक बार तिब्बती शरणार्थी वुलन मार्केट, जो इसको ल्हासा वुलन मार्केट भी कहा जाता है, जो परदेसीपुरा में लग रहा है, सुगनी देवी कॉलेज के पास दशहरा मैदान लग रहा है, वहाँ ज़रूर जाइए,
तिब्बतियों से कुछ ज़रूर सामान खरीद दीजिए। इसलिए नहीं कि आपको पास सर्दी के स्वेटर्स नहीं है, इसलिए नहीं कि आपको सर्दी के स्वेटर्स ज़रूरत है, बल्कि तिब्बत की मदद करने के लिए, तिब्बतियों के साथ अपना सहयोग दिखाने के लिए, तिब्बतियों के साथ अपने उनके संघर्ष में अपने आप को खड़ा दिखाने के लिए एक बार तिब्बती मार्केट जाकर थोड़ा बहुत जो भी आपकी शक्ति हो वैसा माल ज़रूर खरीदिए, क्योंकि ये खरीदी बिक्री का मामला नहीं है, ये तिब्बतियों के साथ होने का, तिब्बतियों के साथ दिखाने का मामला। देखते रहिए डीजेएनआई न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।